जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों एक और नई सूचना आई है आपके यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित, एक नई सूचना है। इसमें जो है आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब आने वाले हैं और जो यूपी पुलिस की जो प्रक्रिया की जो पूरी जानकारी इसमें दी गई है, तो जान लेते हैं इसमें क्या नई सूचना दी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा के जनपद के आवंटन की अग्रिम सूचना भी इसमें दी गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इसमें नई सूचना आई है। दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कि इसमें क्या नई सूचना दी है। और जो ये सूचना है दोस्तों आपकी, ये 8 फरवरी 2024 की आज ही के दिन की ये सूचना है जो इसमें आई है। तो जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समक्षक विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 के अनुक्रम में लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 17/2/2024 यानी कि शनिवार एवं 18/2/2024 यानी कि रविवार को दो दो पालियों में प्रातः 10 बजे से और आपकी 12 बजे तक होने वाली है। और जो सेकेंड मीटिंग की होगी वो 3 बजे से 5 बजे तक होने वाली है। तो इसमें जो है आपकी दो शिफ्ट में आपकी डेट दे दी है 17/18, और दो शिफ्ट में इसमें पेपर दिया है जो उसका टाइमिंग दिया है 10 से 12 और 3 से 5 में आयोजित कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं फिर है दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा तिथि पाली एवं परीक्षा जनपद नगर की सूचना का लिंक अपना भर्ती बोर्ड की वेबसाइट जो दी है, इस वेबसाइट पर दिनांक 10/2/2024 को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि 10 तारीख में आप जो अपना जनपद है, किस पाली में आपका एग्जाम होगा और परीक्षा की तिथि क्या होगी, किस तिथि में आपका परीक्षा होगी, किस पाली में होगी और किस जनपद में होगी, वो आप देख सकते हैं 10 तारीख में। वो आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं, अभ्यर्थी अपना पंजीकृत संख्या एवं जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन करके अपनी लिखित परीक्षा के परीक्षा जनपद नगर सूचना पर्ची को डाउनलोड करके चेक कर लें। अभ्यर्थी इसमें दिए गए निर्देशों के साथ साथ इस भर्ती की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को भी पढ़ें। यानी कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन डाल दें और अपना जन्मतिथि डालने के बाद लॉगिन कर लें और वहां से आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो किस जनपद में होने वाली है, किस तारीख में होने वाली है और किस शिफ्ट में यानी किस पाली में होने वाली है, आप वो चेक कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि यह आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। अभ्यर्थी की सुविधा के लिए यह उस जनपद के आवंटन के लिए एक अग्रिम सूचना है जहां परीक्षा केंद्र स्थित होगा। यानी कि 10 तारीख में जब आप चेक करोगे तो उसे ही आप प्रवेश पत्र ना माने, क्योंकि प्रवेश पत्र आपके जो है वो उसके बाद जारी होंगे। उसमें सिर्फ आप ये जान सकोगे कि आपकी परीक्षा किस जनपद में है, किस पाली में है और किस दिनांक में है, तो आप उसमें ये जान सकोगे। आगे बात कर लेते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड दिनांक 13/2/2024 को बोर्ड की वेबसाइट पर निर्गत किया जाएगा। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 13 तारीख में आपकी वेबसाइट पर डाउनलोड आप कर सकते हैं, वेबसाइट पर डल जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी जन्मतिथि डालकर आप लॉगिन कर लें और वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आगे बात कर लेते, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपना पंजीकरण संख्या तथा जन्मतिथि अंकित कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि जो आपको डाउनलोड करना होगा तो जो लिंक होगा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का, वहाँ से आप उस लिंक के माध्यम से ओपन करके आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आगे बात कर लेते हैं, यदि किसी उम्मीदवार को आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड करने या जांचने में कठिनाई होती है तो वह विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 में अंकित हेल्पलाइन
पर संपर्क कर सकता है। यानी कि अगर आप 10 तारीख में अगर आपकी पर्ची नहीं निकल रही है जिसमें आप ये जान सकोगे कि आपका पेपर किस ज़िले में है, किस पाली में है और किस डेट में है, तो आप जब एक आपका नोटिफिकेशन आया था 23/12/2023 में, तो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया था, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी अपनी जो दिक्कतें हैं, कठिनाई उसको बता सकते हैं। वहाँ से आपकी जो दिक्कतें हैं वो सही कर दी जाएंगी और आप जो अपना डाउन एडमिट कार्ड है या फिर आप पर्ची अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आसानी से कर सकेंगे। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीनतम अपडेट व अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के परीक्षा संबंधित समस्त सूचना निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त की जाएंगी। तो दोस्तों इसमें दिया है कि अगर आप यूपी पुलिस के बारे में जानना चाहते हैं, एडमिट कार्ड या छोटी जो सूचना है जो भी यूपी पुलिस संबंधित, तो आप जो वेबसाइट है यहां से जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपको यूपी पुलिस की हर छोटी से छोटी सूचना मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो छोटी से छोटी सूचना होगी आपको समय तक आप तक पहुँच सकेगी। और दोस्तों जैसे ही आपका जो प्रवेश पत्र आता है उसका जो लिंक है हम जो वीडियो बनाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर लें, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी एडमिट कार्ड की जानकारी, जो आपका 13 तारीख में आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। और ये जो सूचना है अपर सचिव भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड लखनऊ के द्वारा इसे नोटिस को जारी किया गया है और ये 8 तारीख का नोटिस है। तो इसमें आपकी जो दिक्कतें, आप ये कह रहे थे कब आएगा एडमिट कार्ड, वो आपकी जो दिक्कतें वो खत्म कर दी हैं। इसी वजह से आपका जो ये सूचना आया है और ये 13/2/2024 को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, तो आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएँ तो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।